कैमरे में नहीं दिख रहा इतना अच्छा, लेकिन आंखों से जो मजा है ना, ये बादलों को सूरज देखने का मजा ही अलग है। सूरज धीरे 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 बड़ा हो रहा है, दिख रहा है मम्मी। हाँ, फिर दिख रहा है कि सूरज ऊपर जा रहा है, निकल रहा है। सूरज को मैं इतने प्यार से कभी नहीं देखा। एक तरफ चांद और दूसरी तरफ सूरज, मतलब कि क्या सही चीज है यार। चांद सूरज क्या एक साथ काफी समय बाद। उससे मम्मी जॉब पे जाने लगा, फिर जॉब से जब मैं जिस दिन मैं छुट्टी था एक दिन, तो रोज ना मैं क्या बोलते मुँह ऐसा बांध के आता था कि धूप ना लगे ना स्किन वो हो जाएगी, खराब हो जाएगी। लेकिन जिस दिन छुट्टी था उस दिन मैं पूरा मुँह खोल के गया, मैं बोला बहुत दिन से सूरज मुँह पे नहीं लगा। जॉब पे जाने लगा ना तो अजीब अजीब ख्वाहिश हो जाती है। काम काम जिंदगी में कुछ ऐसे क्या बोलते, मेरे को दोपहर में ना चावल खाने को मुझे तो खुशी होवे कि लंच में सिर्फ रोटी मिलती है। तो गाइस, मेरे को अभी अभी मेरे सूत्रों से खबर मिली है कि जिन कबूतरों पे अंडा था, उन कबूतरों में से उन अंडों में से बच्चा निकल गया। तो गाइस, हम चेक करते हैं क्या ये खबर सही है या गलत। इसे तो कबूतर पूरा कवर करके बैठी है, कुछ देखने नहीं दे रही है, बट मुझे दिख रहा है कबूतर के नीचे येलो येलो कुछ है जो हिल रहा है। तो मम्मी भी अभी देख के गए, तब नहीं बैठी थी इस बच्चों पे। इन्हें बच्चों को कैसे कल उस दिन को बताता, जब हम लोग आ रहे थे कैसे भाग रही थी यहाँ वहाँ उड़ उड़ के, और आज जब उसके बच्चे हो गए तो अब वहाँ से हिल भी नहीं रही है। चाहे तुम वहाँ बाजू में जाके उसको टच भी करोगे तो भी नहीं हिलेगी। अपने बच्चों के लिए फुल रिस्क ले रही है वो, चाहे जो जाए बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। तो अभी इसको हम और परेशान नहीं करते हैं, और जब मौका मिलेगा तो देखेंगे उसके बच्चों को कैसे दिख रहे हैं। अभी तो फिलहाल वो बैठी है, नहीं हटने वाली वहाँ से। क्या कर रहे हो आप सर यहाँ पे, आप तकिया वगैरह क्या कर रहे हो? मालूम पड़े तो आज खुले बेच देती हो गया। नहीं नहीं, आधे ही दिख रहा, आपकी कमर के नीचे नहीं हो। ठीक है, तो गाइस अभी हम अपनी मेन चैनल की सोंद बना रहे हैं, एक स्किट पार्ट शूट करने के लिए रहे हैं। जो शर्ट बहुत ज्यादा टाइट है, मेरे को क्यों लग रहा है? सब कवर निकाल देते हैं। हाँ। यार मेरे घर पे एक भी छोटी तकिया नहीं, सब लंबी लंबी तकिया है यार। हम लोग यहाँ डेकोरेशन वाली तकिया लेने गए थे, स्क्वायर स्क्वायर की, सब इतनी लंबी लंबी तकिया ऐसे स्क्वायर दिए ना, ऐसे स्क्वायर यहाँ रखे था पेट पे मस्त। रुक रुक, तेरे लिए चीज है दे ले। अरे पर मेन चलन का तेरा वो हट जाएगा फिर। हाँ रे, लेकिन हाँ स्किट पार्ट में दूसरे पे जरूर शूट कर देंगे ना। बटन टूटी है वाली तो देख। अरे मारे, अब तक ये दिख रही है। पर तू कैसा दिख रहा है? अम्मी टोन तो बन गई, लेकिन ये बटन नहीं बंद हो रही है। उसका पेट दिखाऊं? नॉर्मल शरीर तेरा है, नॉर्मल में वो दिन रख। आप रेडी हो? अब्बा बोल रहे बीए बाय ना उसकी लिए चले जाना। हाँ, आप रेडी हो सर अपने मेन चैनल के लिए? मैं अपना गेटअप ले लिया पूरा, अब एक बार स्क्रिप्ट रिहर्सल करने का है, उसके बाद गाइस मच्छी आने का एक गाइस मच्छी आने का एक गाइस मेरा रुमाल है यार, चार मेरा है। कुछ सालों बाद मेरे घर परिवार वाले अभी सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो मैंने झल्ला रोका था ये वो, और कौन सी बुक है? दुमाल रखे थे, काम आएगा। हाँ? क्या काम आएगा? भैया कैसी थोड़ी शूटिंग वगैरह का कुछ आइडिया, कैसा शूट करना है मेरे को? मैं सब पर्दा हटाऊंगा पहले, बन जाएगा, उसके बाद फिर मैं ऐसे चलूंगा, ठीक है? तो तेरे को मालूम क्या करने का है? तेरे को यहाँ फर्स्ट पहले ये सामने का सीन रिकॉर्ड करने का है, उसके बाद मेरे चार के साथ ऐसे बाजू में होके पीछे हो जाने का है, और मेरे पीछे से ये पार्ट रिकॉर्ड करने का है। हाँ, कर के भैया ऐसे चलूंगा, ठीक है? ऐसे ऐसे थोड़ा थुमक थुमक के चलने का है। तो वो सीन ऐसे रिकॉर्ड होगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आगे बताता हूँ, पहले इतना रिकॉर्ड कर। सर आप अपनी बूटी हिला चुके हो टोनी कक्कर की तरह, अभी आपको कैसा लग रहा है? बुक का मेरे सेकंड पार्ट शूट करने का वो हॉल में। अब सेकंड पार्ट क्या आती है अपना, मेरे को क्या पता।
स्टार्ट कर शूटिंग। अरे यार कैसे, कौन सा एंगल से लेना है वो दे। पर तू कूद के कहां से आएगा? कूद के कहीं से नहीं आऊंगा। व्लॉगिंग चालू है। फोन दिख रहा पर ऐसे कैसे एंगल शूट कर दिया? या तो ये आएगा या तो फोन आ रहा है। मैं करके दिखाऊंगा। नहीं आ रहा। टेक हो गए। अभी एक टेक और बचा है। एक टेक और फिर उसके बाद नॉर्मल शूट के बाद पैकअप नहीं होगा। उसके बाद और भी शूट है गाइस, पूरी बुक लिख के रखी है। नहीं मतलब फिर देखो वो बैठ के रोस्ट करना है ना। फिर मुझे एक छोटा स्किट पार्ट और ऐड किया हो, उसका भी शूट करना है। ओके मतलब आज मेरे मजे ही मजे हैं। पहले यहाँ तो एकदम आई एक मेरे पे है ना, मैं दिख रहा हूँ कॉर्नर में, बीच में कॉर्नर में थोड़ा, लेकिन बीच में आना चाहिए पूरा टाइम। गलत है फिर से क्यों? फेस नहीं आता जब तू चढ़ा था तो क्या चुप कर लेके खा रहा है। गाइस आज मैं इतना खाऊंगा जिसने सोची नहीं होगी गाइस। पूरी चिप्स की पैकेट, हलवा, अंगूर, चिक्की सब। इतना कुछ खाएगा तो असली में ये वाली तो निकल आएगी। घर में जो कुछ भी था अभी तो और है, अभी अब उन कम ही लिए। फटाफट शूट कर ना। कुछ गिरेगा हाथ से। तो फाइनली क्या बोलते कि मैंने तो अपना शूट पूरा कर लिया। मैं भी कर ली। और आतिफा का भी एक टेक था, उसमें हमने पूरा कर लिया कैसे तैसे। अब थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद फिर अपन जो मेन रोस्टिंग का बैठ के जो अपना काम करते हैं तमाम बजाते हैं वो बजाएंगे। और अभी सुनो देखो, जो अक्सर जब वीडियो में मेरा काम होता है इसमें मेरा भाई कितना परेशान हो जाता है, चेहरे का लुक चेंज हो जाता है पूरा। मैं कोई करना चाहिए था। सर आप तो बड़े हो गए सर, आपका भाई लाइसन आ गया फुल। लाइसन अकाउंट सुबह पता है, सुबह में सब बन गया सर। अभी आपको सर बोलना पड़ेगा। मैं सुबह ना उठा 10 रुपया पहले अपने अकाउंट से अम्मी अकाउंट में गूगल पे भेजा, उसके बाद वापस 10 रुपया अम्मी अकाउंट से अपने खाते में वापस भेजा। बहुत मजा आया। उसके बाद गया एटीएम पैसा निकाल के लेके आया। फिर अभी आपका लाइसेंस दिखाओ। एड्रेस नहीं दिखाना। नहीं लाइसेंस मिल चुका है फुल। फोटो कैसे आई है ब्रो तेरी? मेरे आधार कार्ड। अरे बाप बेटा दोनों का आधार कार्ड में भी सेम कपड़ा है, लाइसेंस में भी सेम कपड़ा है। नहीं तुम लोग दिखाना क्या चाहते हो, हम दोनों बाप बेटे हैं, हर जगह सेम। हर जगह मैंने अब्बा का शर्ट पहन के जाके आधार कार्ड पे वो फोटो खिंचवा के फोटो लगवाया, उसके बाद वही आधार कार्ड की फोटो पैन कार्ड पे ड्राइविंग लाइसेंस पे सब जगह लगा दिया। मतलब अब्बा का और मेरा सब जगह सेम कपड़ा है डॉक्यूमेंट पे। ऐसा अभी दोनों को दिखाएंगे ना, दोनों बाप बेटे हैं क्या? नाम मैच करने की होती, शर्टिंग देख लो। शर्ट में देख लोगे तुम लोग ऐसे बोलेंगे, अरे दोनों का ड्राइविंग लाइसेंस, तुम लोग बाप बेटे हो क्या?